हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आ चुका है ऑल इंडिया का। एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे भी हमने पीडीएफ डाल दी है। इस वीडियो में अपन सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं और आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि राउंड 2 में कहाँ तक कौन सी कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट सीट की अपन बात करेंगे, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स है उसमें आप देखेंगे कि राउंड 1 था उसके अंदर अपनी टोटल सीट कितनी थी, 10,469 सीट थी टोटल। ये गवर्नमेंट सीट की अपन बात कर रहे हैं, डीम्ड की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्योर गवर्नमेंट सीट है। अब इसके अंदर है ना AIQ भी आ जाता है, ऑल इंडिया क्वाटा। इसके अंदर अपने एम्स भी आ जाते हैं, एम्स, जिपमर, AMU, BHU, ये सारे ओपन क्वाटा वाले आ जाते हैं। ESIC भी आ जाती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती हैं। सभी टोटल जो गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है ना, 397 कॉलेज थे टोटल, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 397 कॉलेजेस में अपने 10,469 सीट थी पहले राउंड के अंदर। अब रिपोर्टिंग हुई थी ऑल इंडिया की अपनी 23 से लेके 29 तक, एक दिन उन्होंने बाद में एक्सटेंड किया था। अब इन 10,469 बच्चों में से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन किया टोटल अपने 4,343 बच्चों ने जाके रिपोर्ट करवा लिया वहाँ पे, और बाकी बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया, यानी कि कॉलेज ज्वाइन करने ही नहीं गए, घर बैठे रहे 6,126 बच्चे, इन्होंने फ्री एग्जिट कर दिया जो भी कॉलेज मिली है उसको। अब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन पूछी जाती है कि यानी कि आपको अपग्रेड करना है कि नहीं करना। कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं करना, वो बच्चे कितने थे, वो थे 1,766 बच्चे। 1,766 बच्चों को अपग्रेडेशन नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये सीट अब अपने कोई काम की नहीं रही है, ये टोटली फिल हो चुकी है 1,766 सीट। अपग्रेडेशन के लिए जो बच्चों ने ऑप्ट किया है वो 2,577 बच्चे हैं, यानी कि 2,577 बच्चे चाहते हैं कि वो अपग्रेड करें, 1,766 बच्चे नहीं चाहते अपग्रेड करें। तो अपने काम की जो वैकेंसी है वो क्या है, एक तो फ्री एग्जिट वाली है, फ्री एग्जिट वाली वैकेंसी कितनी है, 6,126 प्लस में अपने काम की है 2,577 प्लस में। जो 14 नई सीट आई है, नए मेडिकल कॉलेज 2 खुले हैं उनमें 14 नई सीट आई है, तो ये वैकेंसीज अपने काम की है। अब इनमें भी क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का यही सवाल आ रहा है कि क्लियर और वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है। क्लियर वैकेंसी क्या होती है कि बच्चों ने किया है भाई फ्री एग्जिट, ये है क्लियर, ये क्लियर कट खाली पड़ी है, इनको बच्चों ने जाके ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये फ्री एग्जिट वाली है, मतलब ये सीट तो कम्प्लीटली खाली है, कम्प्लीटली वैकेंट। और जो वर्चुअल वैकेंसी है वो क्या है, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन पे डाला है वो है, मान लो किसी बच्चे को कोटा मिल गई थी और उसने अपग्रेडेशन पे डाला है और बोला है विलिंगनेस में कि यस मैं अपग्रेड कराऊंगा, तो उस बच्चे की जो वैकेंसी है ना वो वर्चुअल में काउंट हो रही है। अब वो बच्चा वर्चुअल क्यों बोला गया इसको, कि अगर बच्चे ने जो इस भरी राउंड 2 में टॉप टॉप चॉइसेस भरी और बच्चे को अपग्रेड होता है तब तो वो कोटा की सीट खाली होगी, अदरवाइज वो उसी बच्चे की रहेगी। मान लो वो बच्चा SMS तक की चॉइसेस ही भरता है टॉप टॉप और उसको नहीं मिलती है, तो कोटा उसकी रह जाएगी, कोटा उसकी रिटेन हो जाएगी। और अगर उसको मान लो अपग्रेड होता है, अजमेर मिल जाती है राउंड 2 के अंदर, तो उसकी कोटा की सीट खाली हो जाएगी, लेकिन वो ले तो लेगा अजमेर की एक सीट, वो क्लियर में से ले लेगा, क्लियर में से ले लेगा। या कोई ऊपर का बच्चा है जो अजमेर से अपग्रेड होके SPMC या फिर SNMC, RNT वगैरह में गया है, उस बच्चे की ये सीट ले लेगा, तो वर्चुअल वाला वैकेंसी है, जो इन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए यस किया है वो वाले बच्चे हैं। तो क्लियर कट आपको दोनों समझ में आ गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, न्यूली एडेड कॉलेज 14 थी और 10,483 कॉलेज हैं अपने एम्स, AIQ एंड ओपन सीट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कैटेगरी वाइज अपन क्लियर वैकेंसी की बात करें तो क्लियर वैकेंसी जो 6,126 है ना, इनको मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दूं तो 2,427 जनरल में सीट है, PWD इंक्लूडेड है इनमें, OBC में है 1,762, EWS में 629, SC के अंदर 903 है, ST के अंदर 405 है, टोटल 6,126 सीट है। ये सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। इस साल ज्वाइनिंग ज़्यादा हुई है, हर साल ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है, पिछले साल जितने बच्चों ने ज्वाइन किया था उससे ज़्यादा बच्चों ने इस साल ज्वाइन किया है, 4 से 5% बच्चों ने इस बार ज़्यादा ज्वाइन किया है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो ये सीट मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए अपन पहले 2023 की कट ऑफ देख लेते हैं। 2023 की सारी कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दे रखी है, राउंड वन से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक भी और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी तक भी, ये अपनी कट ऑफ का पैटर्न रहता है। AIQ राउंड टू में कट ऑफ है हमेशा डाउन ही आती है राउंड वन के मुकाबले में, राउंड वन से राउंड टू में डाउन आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्टेट में सेटल होते हैं, स्टेट के राउंड वन में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके होते हैं और स्टेट में ही ज्वाइन करने का मूड बना चुके होते हैं, इसलिए AIQ राउंड टू में या तो वो चॉइस फिल नहीं करते या फिर लिमिटेड चॉइस फिल करते हैं। इस वजह से जो है 2500 के करीबन अपन को गैप देखने को मिल जाता है, 2 से 2500 का अपने को जनरल OBC EWS के अंदर। तो वो अपन देखें तो इस साल क्या पैटर्न रहने वाला है, लगभग वही रहने वाला है, स्लाइटली थोड़ी सी उसी के अराउंड रहने वाली है जो पिछले साल की कट ऑफ थी। राउंड वन में भी अपन को वही देखने को मिली है क्योंकि सीट्स ज़्यादा इंक्रीज इस बार हुई नहीं है। तो अपन देखने को मिल रहा है अपन को कि 22300 के आसपास और प्लस माइनस 200 आप देख लो, जनरल OBC एंड EWS में प्लस माइनस आप 200 कर लेना जो मैंने बता रखी है इसमें। 22300 से 22500 जनरल में जा सकती है, 22500 से लेके 22700 OBC में जा सकती है, 25500 से लेके 25700 EWS में जा सकती है। SC कैटेगरी में 118000 प्लस माइनस आप 2000 लेके चलिए, SC कैटेगरी में वेरिएशन ज़्यादा आता है क्योंकि SC के बच्चे बहुत कम होते हैं बीच बीच में। ST कैटेगरी में 150000 आप मान सकते हैं प्लस माइनस, इसमें भी आप 2000 का गैप मान सकते हैं क्योंकि बीच बीच में काफ़ी कम बच्चे होते हैं। तो ये कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दे रखी है, ये आप देख सकते हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, डाटा एनालिसिस करके मैंने आपको बताई है। राउंड थ्री में इससे भी डिक्रीज होने वाली है कट ऑफ, तो राउंड थ्री का मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। तो ये था आज की इस वीडियो में, और अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दोनों प्लान दे रखे हैं, बेसिक और प्रीमियम, दोनों की प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, फीचर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।